बद्दी में मनाया गया विजिलेंस अवेयरनेस वीक। स्कूल कॉलेजों और छात्र छात्राओं की ओर से रैलियां निकालकर लोगों को किया गया भ्रष्टाचार के प्रति जागरूक। मंडी में पंचायत स्तर पर महिलाओं में छेड़ा नशा उन्मूलन अभियान। रैली, नारों और अन्य माध्यमों से पंचायत में फैला रही है जागरूकता। सरकार से भी नशा तस्करी पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने की मांग उठाई। शिमला में आईजीएमसी सुरक्षाकर्मी लगातार 32 दिनों से कर रहे धरना प्रदर्शन। कहा सुरक्षाकर्मियों को गैर कानूनी तरीके से निकाला गया। लेबर ऑफिस पर अपने दायित्व का निर्वहन न करने का आरोप भी है। हिमाचल में स्पेशल रोड टैक्स में कटौती का पर्यटन कारोबारियों ने किया स्वागत। प्रदेश में बढ़ेगा पर्यटन कारोबार। टैक्स कम करने से ऑपरेटर्स को राहत। हमीरपुर के स्कूल के रसोई घर में लगी थी आग। आग के लगते ही अफरा तफरी मच गई। घटना में कोई हताहत नहीं। खाना बनाते समय सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। पावटा के न्याय कोर्ट के स्थानांतरण को लेकर बार संघ अधिवक्ताओं की जन आक्रोश रैली। विधायक सुखराम चौधरी के वो भी शामिल हुए। हजारों लोगों ने फैसले का विरोध किया। हिमाचल के कांगड़ा में डबल मर्डर। छोटे भाई ने बड़े भाई भाभी को गोलियों से भूना। नन्ही बच्ची के सामने ही पिता को उतार दिया मौत के घाट। हमीरपुर में केसीसी बैंक के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान दी है जानकारी। केसीसी बैंक के एनपीए में आई कमी। बैंक की आर्थिक स्थिति हुई मजबूत। सोलन में सुरेंद्र कश्यप ने प्रदेश सरकार पर साधा निशाना। कहा झूठ की राजनीति संभाल कर ये सत्ता में आए हैं। अपनी चुनावी गारंटियों को भी सरकार पूरा नहीं कर पा रही। किन्नौर में बीते 5 दिनों से नेशनल हाईवे 5 प्रभावित है। मार्ग अवरुद्ध होने से सेब का कारोबार ठप हुआ था। व्यापार पर भी इसका असर पड़ रहा था जिसका मार्केट डिमांड भी ज्यादा बढ़ा है। अब मार्ग को खोल दिया गया। सोलन में नशे के बढ़ते प्रचलन को कम करने के लिए प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य विभाग निरंतर प्रयासरत है। नशा निवारण के लिए स्वास्थ्य विभाग ने चलाई मुहिम। ग्रामीण स्तर पर लोगों को किया जा रहा जागरूक। शिमला में विधायक कुलदीप राठौर का केंद्र सरकार पर निशाना। कहा इंडिया अलायंस से केंद्र सरकार जो है वो डर चुकी है। राजनीति भावना से दर्ज हो रहे हैं ये केस। शिमला में अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले की तैयारियां शुरू। 11 नवंबर से लवी मेले की होगी शुरुआत। सुरक्षा इंतजाम में जुटा है पुलिस प्रशासन। रामपुर में राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता का समापन। वॉलीबॉल में कस्टम दिल्ली ने बाजी मारी है। कबड्डी का ताज नालागढ़ की टीम ने अपने नाम किया। शिमला में हाठी समुदाय को एसटी का दर्जा देने का मामला। मामले में कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान का बयान। हिमाचल सरकार ने केंद्र से मांगी है क्लैरिफिकेशन। केंद्र जैसे ही क्लैरिफाई करेगा फैसला लागू कर देगा। शिमला नगर निगम ने पूर्व महापौर और उप महापौर पर बुलाया यह सम्मेलन। 6 नवंबर को आयोजित होगा कार्यक्रम। नगर निगम की आय बढ़ाने को लेकर लिए जाएंगे सुझाव। किन्नौर के नेशनल हाईवे 5 के पास दर्दनाक हादसा। टिप्पर और ट्रक में जबरदस्त टक्कर। टक्कर के बाद वाहन में लगी आग। हादसे में वाहन चालक सुरक्षित। हिमाचल में सीपीएस नियुक्ति मामला सुप्रीम कोर्ट में यह ट्रांसफर। सीपीएस मोहनलाल ब्राक्टा की आई प्रतिक्रिया। उन्होंने कहा कि सिमिलर मैटर पहले ही सुप्रीम कोर्ट में दायर और सभी मामलों पर एक सा फैसला करने की बात। शिमला के प्रख्यात पर्यटन खुपरी में घोड़ों पर एनजीटी की लगाम। 217 घोड़े चलने का दिया नोटिस। घोड़ा पालकों की प्रतिक्रिया सामने आई। कार रोजगार पर पड़ेगा इसका असर। जिला परिषद सिरमौर की त्रिमासिक बैठक का आयोजन। जिला परिषद अध्यक्ष ने कहा ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं का नहीं होता समाधान। सालों से विकास कार्य रुके हुए हैं। विभाग लापरवाह। टीटू ने हमीरपुर में बिजली के निजीकरण और मनरेगा के सभी निर्माण कार्यों से मजदूरों को बाहर करने के विरोध में किया धरना प्रदर्शन। टीटू के राष्ट्रीय सचिव की अगुवाई में मुख्यमंत्री को सौंपा गया मांग पत्र। सोलन में टीबी उन्मूलन को लेकर स्वास्थ्य विभाग निरंतर कार्यरत। 5 महीनों से टीबी के मामलों में आई कमी। घर घर जाकर लोगों को किया जा रहा है जागरूक। सोलन के साईं संजीवनी हॉस्पिटल्स में ग्रेचिट्यूडेस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नर्सिंग पास आउट छात्राओं ने भगवान सतसाई का जताया आभार। कार्यक्रम में हॉस्टल्स के संस्थापक हॉस्पिटल के संस्थापक डॉक्टर संजय अग्रवाल डॉक्टर सविता अग्रवाल भी मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। बिलासपुर से राज्य स्तरीय अंडर 14 खेलकूद प्रतियोगिता संपन्न। सदर के पूर्व विधायक बंबर ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। 650 छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। एचपीटीडीसी के अध्यक्ष ने नादौर में किया है एशियन राफ्टिंग चैंपियनशिप का उद्घाटन। नेपाल भूटान
कजाकिस्तान के अलावा देश के विभिन्न राज्यों, थल सेना, विभिन्न अर्धसैनिक बलों के साथ कई टीमों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।